हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज में हम बात कर रहे हैं गैसीय स्टेट की। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में और गैस के प्रेशर डिटरमिनेशन के बारे में बताया था। मैंने बोला था आपको कि गैस का प्रेशर निकालने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जिन्हें एक को बैरोमीटर और एक को मैनोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी प्लेस पर एयर का प्रेशर मेजर करता है, जबकि मैनोमीटर किसी गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर को निकालने के लिए यूज किया जाता है। आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसमें मैं आपको बैरोमीटर के और मैनोमीटर के काफी इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिससे आपके प्रेशर के बारे में जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बैरोमीटर्स एज वेल एज मैनोमीटर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बैरोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में बताया था। मैंने कहा था बैरोमीटर में जिस तरह से एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है, मर्करी लेवल की हाइट बैरोमीटर ट्यूब में बढ़ती जाती है। पर क्या हो अगर पहले से ही उस ट्यूब में कोई गैस प्रेजेंट हो, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग के दो केस लिखे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सपोज ये एक बैरोमीटर है, इसमें बैरोमीटर में ऊपर वैक्यूम नहीं है, गैस है। तो अगर गैस के होने के बावजूद ये एच हाइट तक राइज कर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि गैस के प्रेशर में और एयर के प्रेशर में कितने सेंटीमीटर मर्करी का डिफरेंस है, एच सेंटीमीटर मर्करी का डिफरेंस है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये मर्करी का लेवल यहां होता तो हम क्या बोलते, हम बोलते गैस का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर है, क्योंकि एयर इधर से प्रेस करती और गैस यूं प्रेस करती। और अगर ये लेवल यहीं रह जाता तो मैं बोल जाता अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर है 1 एटीएम। लेकिन अभी भी इसने कुछ हाइट को अचीव किया है, इसका मतलब बताइए गैस का प्रेशर एयर से ज्यादा है या एयर का प्रेशर गैस से ज्यादा है? ऑब्वियसली एयर का प्रेशर गैस से ज्यादा है, तभी तो इसने इसको प्रेस किया और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसको एच हाइट तक राइज करना पड़ा। तो जब भी आपके पास में बैरोमीटर के अंदर इस तरह का सेटअप आए कि ऊपर आपको गैस दी हुई है और आपसे गैस का प्रेशर पूछा जाए, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है। मैं कह सकता हूं पी एयर माइनस पी गैस इज इक्वल टू एच। एयर के प्रेशर और गैस के प्रेशर का डिफरेंस किसके बराबर होता है, एच हाइट के बराबर होता है। मत भूलिए ये एच हाइट मर्करी कॉलम की वर्टिकल हाइट होने चाहिए। कई बार गैस का प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा भी हो सकता है। अगर गैस का प्रेशर 1 एटीएम से ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों, गैस ज्यादा दबाएगी एयर की कंपैरेटिवली, तो उस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम बनता है। तो यहां पर एक तरह से एक खाली जगह आपको दिखाई देती है और ये जो मर्करी का लेवल गिरा है, पिछली बार मैं बोल रहा था राइज की है, ये जो डाउनफॉल हुआ है एच, तो ये प्रेशर गैस का एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं पी एयर माइनस पी गैस इज इक्वल टू माइनस एच, या पी गैस माइनस पी एयर इज इक्वल टू एच। तो इस तरह से इन दोनों सेटअप को आप देख लीजिए, मोस्टली क्वेश्चन तो इसी तरह के आते हैं। तो मैं जो गैस का प्रेशर निकालने के लिए मैं एयर के प्रेशर में से एच माइनस कर देता हूं, पर कहीं आपको ऐसा सेटअप दिख जाए तो उस केस में गैस का प्रेशर एयर से ज्यादा होगा, तो उस केस में पी गैस हो जाएगी। यहीं से देख लो पी गैस क्या हो जाएगी, पी एयर प्लस एच। तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर कितना हो जाएगा, एच को आपको एड करना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो एच हाइट है ये आ रही है आपकी सपोज 8 सेंटीमीटर इस डायग्राम में। तो अगर इस डायग्राम में 8 सेंटीमीटर है तो P गैस कितना हो जाएगा, P एयर माइनस 8, और P एयर कितना होता है 76 माइनस 8 कितना हो गया, तो गैस का प्रेशर होगा 68 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम। और अगर यहां पर ये डिस्टेंस 8 आ जाएगी तो फिर मैं इसको ऐड करूंगा, मैं कहूंगा P गैस इज इक्वल टू P एयर प्लस H, और एयर का प्रेशर अगर नॉर्मल 76 लेता हूं तो उस गैस में गैस का जो प्रेशर होगा वो 84 सेंटीमीटर मर्करी होगा। तो आज की क्लास में हम जितने भी प्रेशर मेजर करेंगे वो मर्करी की हाइट के टर्म में करेंगे। कोई बच्चा कहे सर एटीएम में कन्वर्ट करो, तो आप जानते ही है जब भी मुझे गैस का प्रेशर एटीएम में निकालना होता है तो मैं मर्करी की हाइट जितनी भी आती है उसको 76 से डिवाइड कर देता हूं, तो प्रेशर मेरा किसमें आ जाता है, एटीएम में आ जाता है। यह तो बात हो गई बैरोमीटर में दो अलग अलग केसेस की, कि जब राइज करेगा तो क्या होगा और फॉल करेगा तो क्या होगा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, हालांकि इनको मैं एग्जैक्ट बैरोमीटर तो नहीं कहूंगा क्योंकि मर्करी का टैंक नहीं है नीचे, लेकिन इस पर बेस काफी क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में और जेई के पेपर में पूछे जाते हैं। मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, इस थर्ड केस की बात करते हैं।
इसमें ऊपर से एयर आ रही, बीच में मरकरी का कॉलम भी है, उसकी जो भी हाइट है, सपोज इसकी एच हाइट है, एच हाइट का मरकरी कॉलम भी है और गैस भी है, तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं प्रेशर की, ध्यान से सुनिए। गैस कहां प्रेशर डाल रही होगी, अपवर्ड, और ये दोनों कंपोनेंट कहां प्रेशर डाल रहे होंगे, डाउनवर्ड। और अगर ये स्टैटिक है, इसका मतलब अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर क्या है, बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं पी गैस इज इक्वल टू पी ड्यू टू मरकरी प्लस पी ड्यू टू एयर, पी गैस, और अगर ये एच हाइट है मरकरी की तो इसको एच कर दो, एयर का मैं जनरली कितना लेता हूं प्रेशर 76, तो इस केस में पी गैस कितना हो जाएगा, एच प्लस 76 हो जाएगा। सपोज एच में 8 सेंटीमीटर लेता हूं, तो उस केस में पी गैस मरकरी की हाइट की टर्म में कितना हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर मरकरी हो जाएगा। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए, इस डायग्राम में गैस ऊपर प्रेशर डाल रही है, मरकरी भी नीचे की तरफ लगा रहा है, एयर भी नीचे की तरफ लगा रही है, तो आपका जो गैस का प्रेशर होगा वो कितना होगा, 76 प्लस एच होगा। कई बार आपको मरकरी की जगह पर कोई और लिक्विड भी दे देगा साथ में, कई बार आपको मरकरी की जगह कोई और लिक्विड भी दे देगा। तो मैं जो कैलकुलेशन करता हूं वो हमेशा मरकरी की हाइट की टर्म में करता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने 180 एम इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर मरकरी माना हुआ है। तो क्यों ना हम इस लिक्विड को, जो भी है, इस लिक्विड से की हाइट से मरकरी की हाइट निकाल लें पहले, और मरकरी की हाइट निकालने के बाद मैं इसको कैलकुलेट करूं। एग्जांपल के तौर पर मान लो ये आपका आ रहा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये आपको दे रखा है एक्स की जो हाइट दे रखी है, ये भी मान लीजिए आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो डेंसिटी है इस लिक्विड की डेंसिटी मान लीजिए आपको दे रखी है बेटे 6.8 ग्राम पर मिलीलीटर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के सेटअप में गैस कॉलम के ऊपर मरकरी कॉलम है, मरकरी कॉलम के ऊपर कोई और लिक्विड है उसका कॉलम है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो 6.8 है, और इनकी जो दोनों की लेंथ है, ये दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एयर का प्रेशर वही 76 सेंटीमीटर मरकरी है, और आपसे पूछ रहा है कि इस डायग्राम में गैस का प्रेशर कैलकुलेट करो। तो मैंने क्या बोला, कोई भी लिक्विड भर लेगा, मैं उसकी हाइट को मरकरी की हाइट में चेंज करूंगा पहले, उसके बाद मैं प्लस या माइनस करके गैस का नेट प्रेशर निकालने वाला हूं। आइए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि जब भी आपको किसी और लिक्विड की हाइट दे रखी हो और आपको मरकरी की हाइट निकालनी हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, एच मरकरी डी मरकरी इज इक्वल टू एच लिक्विड एंड डी लिक्विड। तो अगर मुझे मरकरी की टर्म में हाइट निकालनी है, तो उस लिक्विड की हाइट को उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके उसके मरकरी की डेंसिटी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स लिक्विड की बात करूं, तो एच लिक्विड की हाइट कितनी है, एक्स की 8, डेंसिटी कितनी है 6.8, मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13.6, ये पूरा कैंसिल हो गया 2। तो अगर इस लिक्विड के टर्म में हाइट आई है 8 सेंटीमीटर, तो वो हाइट मरकरी के टर्म में कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। नेचुरल सी बात है, जिसकी डेंसिटी मरकरी से आधी होगी, तो उस केस में उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड की हाइट और मरकरी की, सॉरी लिक्विड की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी के रेशियो से ही ये आपका कैलकुलेशन चलता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो लिक्विड जितना ज्यादा लाइट होता जाएगा, उसकी हाइट की तुलना में मरकरी की हाइट हमेशा कम आएगी, और अगर इसकी डेंसिटी आधी है तो मरकरी की जो हाइट आएगी वो उस लिक्विड की हाइट से क्या होगी, हाफ होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस केस में आप अंडरस्टैंड करेंगे पी गैस क्या क्या करूं बच्चों, ये गैस तो लगा रही ऊपर की तरफ प्रेशर, ये तीनों मेंबर कहां लगा रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेशर, मरकरी भी नीचे एमजी के कारण, लिक्विड भी नीचे, एयर भी नीचे। तो मैं इन तीनों को सम कर देता हूं, पी ड्यू टू मरकरी पी ड्यू टू लिक्विड प्लस पी ड्यू टू एयर। चलिए, मरकरी के कारण कितना है, 10, पूरा 10 8 ले लेता हूं, मरकरी की हाइट कितनी थी 8, तो मरकरी कारण कितना है 8, लिक्विड की हाइट तो थी 8 लेकिन मरकरी की टर्म में कितनी बन गई थी 4, और एयर का जो प्रेशर है वो तो आप लेते हो 76, तो उस केस में 88 सेंटीमीटर मरकरी आपकी गैस का हो जाएगा। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर कॉलम ट्रैप करके दे दे मरकरी से, या और भी किसी लिक्विड से ट्रैप करके वो दे सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, डायग्राम नंबर 6। इस डायग्राम में आपको किसी एंगल के ऊपर दिया हुआ है, हम मुझे कौन सी हाइट चाहिए होती बेटा, वर्टिकल,
मुझे मरकरी कौन सी हाइट चाहिए होती, वर्टिकल। अब ये जो आपको हाइट दी हुई है इसको मैं बोलता हूं ओब्लिक हाइट दी हुई है, इस ओब्लिक हाइट को मैं वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट करने के लिए कंपोनेंट्स लूंगा साइन कोस के, नेचुरल सी बात है। अगर मेरे को इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, अगर मेरे को इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 30 डिग्री का बना रखा है और वर्टिकल के साथ थीटा 60 डिग्री का बना रखा है, तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल के एंगल का तो क्या लिखा जाएगा, साइन, और वर्टिकल के एंगल का क्या लिया जाएगा, कोस। तो वर्टिकल के एंगल का कोस लेना है और हॉरिजॉन्टल के एंगल का साइन लेना है, तो उससे मेरे पास मरकरी की कौन सी हाइट आ जाएगी, मरकरी की मेरे पास वर्टिकल हाइट आ जाएगी। कई बच्चों को समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल सिंपल है, अगर 30 डिग्री का एंगल होगा तो ये कितने डिग्री एंगल होगा बेटे, 60 का। अगर ये एंगल 60 का तो ये कंपोनेंट कोस 60 होगा। याद रखना मेरे को मरकरी की वर्टिकल हाइट चाहिए, मुझे ये वाली हाइट नहीं चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए। तो अगर अगर ये 60 का एंगल है तो ये वाला जो वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, एच साइन थीटा या कोस थीटा, एच कोस थीटा, और वो एंगल कौन सा है जो वर्टिकल के साथ एंगल होता है। तो इस बात को अच्छे से याद कर लो, जब भी कोई ओब्लिक टेस्ट ट्यूब दे रखी है और आपको मरकरी की कौन सी हाइट निकालनी है, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल के एंगल का तो लेना है साइन और वर्टिकल के एंगल का लेना है कोस। तो मैं लिख दिया, तो एच वर्टिकल निकालने के लिए अगर ये वाला थीटा की बात कर रहा हूं तो एच कोस थीटा भी ले सकते हो और एच साइन थीटा भी ले सकते हो। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल से बना हुआ एंगल, और ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है वर्टिकल से बना हुआ एंगल। तो अगर मैं ये कहूं, इसी क्वेश्चन की बात करूं, सपोज मैंने आपको 30 दिया तो मेरे को मरकरी की वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो क्या करूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं वर्टिकल, मैंने क्या बोला हॉरिजॉन्टल का क्या लेना है, साइन, तो ये हो जाएगा एच साइन 30, और मान लीजिए 8 सेंटीमीटर आपको हाइट दी हुई है, तो 8 साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो एक्चुअल जो हाइट आपको काउंट करनी है बेटे वो 4 सेंटीमीटर काउंट करनी है मरकरी की। अब जो आपका इस तरह की टेस्ट ट्यूब थी, अब आपने वर्टिकल निकाल लिया कंपोनेंट 4, अब कोई दिक्कत नहीं है, एयर लगा रही है 76 नीचे की तरफ, मरकरी लगा रही है 4 नीचे की तरफ, यानी कि अगर मैं यहां पर गैस का प्रेशर आपसे पूछता हूं तो वो 76 प्लस 4 लिया जाएगा, दैट इज 80 सेंटीमीटर मरकरी लिया जाएगा। तो जब भी आपको किसी एंगल में दे रखी टेस्ट ट्यूब, तो मैंने क्या बोला, रट लो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा उसका तो साइन लेना है, और वर्टिकल के साथ जो एंगल होगा उसको क्या लेना है, कोस लेना है। इस तरह से हम मरकरी की वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं, वर्टिकल हाइट को आप ऐड भी कर सकते हो और वर्टिकल हाइट को आप माइनस भी कर सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे केसेस के थ्रू हम बैरोमीटर के थ्रू और मैनोमीटर के थ्रू बड़े आराम से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन की बात करते हैं सपोज मैं एक ही साथ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सपोज आपको इस तरह से कोई टेस्ट ट्यूब गिवन है, इसमें नीचे तो गैस है, ये मरकरी है, ये कोई और लिक्विड है, और ये ऊपर से ओपन है एयर के लिए। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री का और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का। तो वर्टिकल से एंगल है 60, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30, ये कोई गैस है, ये मरकरी लिक्विड है, मरकरी लिक्विड के ऊपर कोई एक्स लिक्विड भी आपको दिया हुआ है, मरकरी लिक्विड के ऊपर आपको कोई एक्स लिक्विड भी दिया हुआ है, ये है लिक्विड एक्स, ये है लिक्विड मरकरी, इसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी, 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर, और यहां से एयर एंटर कर सकती है और एयर का प्रेशर भी आपको दे रखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। याद रखिएगा सारी कैलकुलेशन मरकरी की हाइट में करनी है, और मान लो फाइनली आपसे पूछता है प्रेशर 80 में निकालो, तो कोई बात नहीं, जितनी नेट मरकरी की हाइट आ जाएगी उसको 76 से डिवाइड कर लेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है बताइए इस कंडीशन में पी गैस कितना है, इस कंडीशन में पी गैस की वैल्यू आपसे पूछी है, इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है, इस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है सपोज आपको 3.4 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और आपसे गैस का प्रेशर पूछा है, तो यहां पर आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे, एक तो इनकी हॉरिजॉन्टल हाइट जो आपको दे रखी है, एक तो इनकी जो ओब्लिक हाइट आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर इसकी है और 8 सेंटीमीटर इसकी है, पहले तो इसको आपने वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट करना है। मरकरी की वर्टिकल हाइट को तो डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं,
लेकिन लिक्विड की वर्टिकल हाइट को पहले मर्करी की वर्टिकल हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा कैलकुलेशन होगा। तो आइए देखते हैं, अगर आपको पी गैस निकालना है तो क्या क्या करूंगा, मैं करूंगा पी ड्यू टू मर्करी प्लस पी ड्यू टू एक्स लिक्विड प्लस पी ड्यू टू एयर। चलिए अब ध्यान से करते हैं, पी ड्यू टू मर्करी, तो मर्करी की आपकी ये वाली हाइट है एच, कितनी ये वाली हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो मर्करी की वर्टिकल हाइट कैसे आएगी, एच साइन थीटा, याद रखना थीटा इज द एंगल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का एंगल के साथ का थीटा लिया जाता है, तो एच आपका 8 है, साइन 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये तो आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मुझे लिक्विड एक्स की वर्टिकल हाइट निकालनी है तो तरीका तो वही है, क्या होगा 8 साइन 30, इसकी भी आ गई 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे लिक्विड की वर्टिकल हाइट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मर्करी की वर्टिकल हाइट चाहिए, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, मर्करी की वर्टिकल हाइट उस लिक्विड की हाइट उस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन मर्करी की डेंसिटी 13.6। तो लिक्विड की वर्टिकल हाइट 4 आ रही है, इसकी डेंसिटी है 3.4 अपॉन 13.6, ये 4 पे चला गया पूरा पूरा, 4 बाय 4 कितना हो गया 1, तो मर्करी के टर्म में हाइट कितनी होगी बेटे 1 सेंटीमीटर होगी। क्या सारे के सारे प्रेशर मर्करी की वर्टिकल हाइट के टर्म में हो चुके हैं, एयर का भी आ गया, मर्करी का खुद का भी आ गया और लिक्विड एक्स का भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर वैल्यू पुट करूंगा कि पी मर्करी पी ड्यू टू मर्करी कितना है 4, पी ड्यू टू एक्स इन टर्म्स ऑफ मर्करी कितना है 1 और ये कितना है 76, तो जो गैस का प्रेशर आएगा वो 81 सेंटीमीटर मर्करी आ जाएगा। और अगर मैं चाहूंगा कि ये एटीएम में आए तो मैं 81 को 76 से डिवाइड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यह आंसर आपका किसमें आ जाएगा, 80 में आ जाएगा। इस तरह से हमें मर्करी दे रखा हो चाहे कोई लिक्विड दे रखा हो, हम उसकी वर्टिकल हाइट से मर्करी की वर्टिकल हाइट निकालेंगे और मर्करी की वर्टिकल हाइट से मैं चाहे तो ऐड करके पी गैस निकालूंगा और कई बार सब्सट्रैक्ट करके भी क्या करना पड़ता है, पी गैस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। सब्सट्रैक्शन वाला केस क्या है, आइए वो भी देखते हैं। कई बार आपको जो डायग्राम दिया होगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पोज करके देख सकते हैं। कई बार क्या होगा, आपको जो डायग्राम दिया होगा वो डायग्राम इस तरह से दिया होगा, कई बार आपको जो डायग्राम दिया होगा वो डायग्राम इस तरह से दिया होगा, ऐसे ओपोजिट करके दे रखा होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है। तो इसमें ये आपकी कोई गैस है, ये मर्करी कॉलम से ट्रैप है, ये कोई गैस है, ये मर्करी कॉलम है, इसकी हाइट मान लीजिए मैं तो 8 सेंटीमीटर ले रहा हूं सब में, इसको मैं 80 ले लेता हूं। अब मुझे एक बात बताइए, पहला डाउट तो बच्चों को इसमें ये आता है, सर ऐसे उल्टा करते हो तो मर्करी तो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि मर्करी का एमजी क्या कहेगा, नीचे कहेगा, पर ऐसा होगा नहीं। आपको लग रहा है कि नीचे कुछ नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए नीचे एयर का सपोर्ट है, क्योंकि एयर की क्या टेंडेंसी होती है, जहां से जगह मिलती है वहां से एंटर कर जाती है, और एयर का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 76 सेंटीमीटर मर्करी होता है, तो एयर 76 से इसको उठा रही है, तो एयर की डायरेक्शन तो है ऊपर की तरफ, गैस की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और मर्करी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। इसका मतलब जब बैलेंस कंडीशन लगाता हूं तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटे, पी एयर इज इक्वल टू पी ड्यू टू मर्करी प्लस पी ड्यू टू गैस, यानी कि यहां गैस का प्रेशर निकालने के लिए मुझे एयर के प्रेशर में से प्रेशर ड्यू टू मर्करी माइनस करना पड़ेगा। एयर का प्रेशर 76 सेंटीमीटर होता है और ये आपको 8 दे रखा है, तो ये आपका 68 सेंटीमीटर मर्करी प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा। कोई बच्चा कहे सर गिरेगा कब, जब ये तब गिरेगा जब मर्करी से लगने वाला नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एयर के ऊपर उठाने वाले प्रेशर से, यानी कि जब मर्करी कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, मान लो 80 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम है, फिर ही गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे से ऊपर उठाने वाला प्रेशर तो है 76 और नीचे गिराने वाला 80, तो उस केस में नीचे गिर जाएगा। जब तक इसकी हाइट 76 से कम रहेगी तब तक एयर इसको होल्ड करे रखेगी और ये मर्करी नीचे नहीं गिरेगा। तो इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाने लगे आजकल, पर जेई के लिए मेनली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन तो हो गई आपकी बैरोमीटर की।
अब मैं एंटर कर रहा हूं मैनोमीटर में, अब मैं एंटर कर रहा हूं मैनोमीटर में कि मैनोमीटर में क्या कंडीशन है, मैनोमीटर में क्या कंडीशन, आइए देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं मैनोमीटर की, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करता है उसको बोलते हैं बच्चे मैनोमीटर। अब मैनोमीटर में क्या होगा आइए देखते हैं। मैनोमीटर के मैं दो डायग्राम बना रहा हूं, तीन कंडीशन बनती है, तीसरी मैं इसी में बता दूंगा आपको। मैनोमीटर में क्या है, एक बल्ब है, इधर एयर है ओपन, ये बल्ब है, ये मैनोमीटर का डायग्राम। दो एक साथ बना रहा हूं ताकि आपको दो कंडीशंस को मैं कंपेयर कराना सिखा दूं। तो इस डायग्राम में ये एक ट्यूब है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आप कितनी मर्जी मोटी या पतली ट्यूब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से इसको ओपन रखिएगा, गैस है यहां पर, ये ओपन है एयर में, ये भी ओपन है एयर में, और ये इसमें गैस भरी हुई है। अब इसमें कोई गैस बना रहा हूं, कोई गैस फिल है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब मरकरी की कंडीशन बता रहा हूं, मरकरी का लेवल अनइक्वल है दोनों तरफ, ये जो मैं भर रहा हूं ब्लू पेन से, ये मरकरी है। सपोज अगर गैस का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर होता है तो दोनों लिम्स में, इसको बोलते हैं बेटे शॉर्टर लिम्ब, इसको बोलते हैं शॉर्टर लिम्ब या शॉर्टर आर्म, इसको बोलते हैं लॉन्गर लिम्ब, इसको बोलते हैं लॉन्गर लिम्ब या लॉन्गर आर्म। तो अगर शॉर्टर और लॉन्गर दोनों लिम्स में मरकरी की हाइट बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के मॉलिक्यूल्स इसको जितना कंप्रेस कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, उतने ही एयर के मॉलिक्यूल्स इसको राइट साइड में कंप्रेस कर रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों तरफ लेवल मरकरी का बराबर होता तो मैं कहता गैस का प्रेशर कितना है बच्चे, 1 एटीएम। लेकिन इस डायग्राम में आपको ये हाइट छोटी दिखा रखी है और ये हाइट बड़ी दिखा रखी है, साफ दिख रहा है कि गैस ज्यादा प्रेस कर रही है एयर की कंपैरेटिवली। तो बस इतना सा याद रखिए कि इस केस में गैस का प्रेशर 1 एटीएम से या 76 सेंटीमीटर मरकरी से ज्यादा है। अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं और इस डायग्राम में इसको ऊपर दिखा दूं और इसको नीचे दिखा दूं, इस डायग्राम में इसको ऊपर दिखा दूं और इसको नीचे दिखा दूं, उस केस में मैं बता दूंगा कि गैस का प्रेशर 1 एटीएम से या एयर के प्रेशर से कम है। यहां पे वही कंडीशन है, पी एयर 1 एटीएम कह दूं चाहे 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर कह दूं, एक ही बात है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इसमें कोई गैस फिल है और डायग्राम राइट वाला है तो गैस का प्रेशर कम रहा होगा और एयर का प्रेशर ज्यादा रहा होगा, तो आपका डायग्राम इस तरह का बनेगा। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस देखूं तो इन डिफरेंसेस को मैं एच से डिनोट करता हूं, ये दोनों के लेवल का डिफरेंस है, ये भी दोनों के लेवल का डिफरेंस है, दोनों को मैंने एच से डिनोट किया है। अब आपको एक काम करना है, चाहे प्रेशर किसी का भी ज्यादा हो, वो जो डिफरेंस आएगा वो एच के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं पी गैस इज ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, क्योंकि गैस ज्यादा दबा रही है एयर से, तो यहां बोलते हैं पी गैस इज इक्वल टू 76 प्लस एच, यानी कि गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर दैट इज 1 एटीएम दैट इज 76 सेंटीमीटर मरकरी से ज्यादा है, तो गैस का प्रेशर कितना है, 76 प्लस एच है। और अगर मैं यहां करता हूं तो यहां उल्टा हो गया, यहां पी गैस कम है 76 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर से, तो यहां हम कहते हैं कि पी गैस हो जाएगा 76 माइनस एच। तो जब भी आपके, ये पहली बात तो मैनोमीटर होता है, तो मैनोमीटर का जब भी डायग्राम आपके पास में आए तो जिस बल्ब के कोरस्पोंडिंग मरकरी की हाइट कम आएगी उस बल्ब के कोरस्पोंडिंग प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए गैसेस बल्ब के कोरस्पोंडिंग हाइट कम आई और दूसरी एयर वाले साइड की हाइट ज्यादा आई तो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एयर वाले कॉलम की कोरस्पोंडिंग हाइट कम आई और गैस वाले की ज्यादा आई तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं, एयर का प्रेशर गैस से ज्यादा होगा। दोनों के प्रेशर्स के डिफरेंस होते हैं वो एच हाइट के बराबर होते हैं। तो कभी तो गैस के प्रेशर को निकालने के लिए 76 में एच जोड़ देते हैं
और कभी गैस का प्रेशर निकालने के लिए 76 में एच माइनस कर देते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको मैनोमीटर में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड कौन सा दिया हुआ है आपको, ये लिक्विड आपको दोनों ही केस में मरकरी दिया हुआ है, और ये दो फॉर्मूले आपको मैनोमीटर के केस में याद रखने। अब इसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बन सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, मैं आपको एक डायग्राम देता हूं, मान लीजिए मैं आपको एक डायग्राम देता हूं, उस डायग्राम में आपको, मान लीजिए मैंने आपको एक डायग्राम दिया, ये गैसेस बल्ब है, ये ओपन वाला पार्ट है, मान लीजिए मैंने आपको ये डायग्राम दिया, और इस डायग्राम में ये जो मरकरी है उसका इस तरह का डिजाइन है, इस बार ये वाला डिजाइन है, और आपको दिया हुआ है ये जो हाइट दे रखी है डिफरेंस, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। गैस एयर का प्रेशर आपको दे रखा है 76 सेंटीमीटर मरकरी। तो मैंने बोल दिया कि इस तरह के डायग्राम देने पर मैं 76 प्लस एच करूंगा, 76 प्लस 6 तो ये 82 सेंटीमीटर मरकरी हो जाएगा, और अगर आपको गैस का प्रेशर एटीएम में फाइंड करना है तो 82 अपॉन 76 इतना एटीएम प्रेशर गैस का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो पहला एग्जांपल तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा ही दिया। कई बार क्या करेगा सेकंड एग्जांपल में, कई बार आपको मरकरी की जगह कोई और लिक्विड देगा, कई बार वो आपको मरकरी की जगह कोई और लिक्विड देगा, तो उस केस में फंडा वही है, बाय चांस हाइट वर्टिकल ही आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगल का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको इस बार ये डायग्राम दिया, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैंने आपको इस बार ये डायग्राम दिया, और ये जो हाइट दे रखी है, ये हाइट आपको दे रखी है सपोज 95 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, जो डिफरेंस ऑफ हाइट दे रखा है, ये दे रखा है 95 सेंटीमीटर, ये कोई लिक्विड है एक्स, इसकी डेंसिटी दे रखी है 2.72 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपसे पूछा है बताइए गैस का प्रेशर एटीएम में कितना हो, यहां जो गैस भरी हुई है, यहां जो गैस भरी हुई है इसका प्रेशर आपसे एटीएम में पूछ रहा है, ये वही कंडीशन है, पी एयर ओपन है यहां से, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर है। आप लोग नोटिस करना, सारी कैलकुलेशन मैं मरकरी की हाइट के टर्म में करता हूं, और बाद में जाके जो नेट सारी हाइट आ जाती है तो एटीएम में निकालने के लिए मैं 76 से डिवाइड करके अपना आंसर किसमें निकाल लेता हूं, एटीएम में। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से आपने सोल्व करना। चलिए तो पहली बात तो मैंने बोला आपको, ये हाइट जो आप ऐड करते हो ये किसकी हाइट होनी चाहिए, मरकरी लिक्विड की हाइट होनी चाहिए, तभी तो मरकरी के अंदर मरकरी ऐड होगा, ये 76 तो मरकरी की हाइट है, कोई और लिक्विड की हाइट को नहीं जोड़ सकता इसमें, तो सबसे पहले मुझे लिक्विड की हाइट को मरकरी की हाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला काफी बार यूज कर लिया, एच मरकरी इज इक्वल टू एच लिक्विड डी लिक्विड अपॉन डी मरकरी। तो लिक्विड की जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है वो 95 आ रहा है, डी लिक्विड कितना है 2.72 है और 13.6, इसको इससे जब डिवाइड करते हैं तो बच्चे 5 आता है, 5 पूरा पूरा 95/5, तो ये जो डिफरेंस बनता है ये 19 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ मरकरी बनता है। मैंने आपको पहले कहा था जिस लिक्विड की डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी से पांचवा हिस्सा हो जाएगी तो उसकी हाइट मरकरी से 5 गुना होगी, या यूं बोलो मरकरी की हाइट उस लिक्विड की हाइट का 1/5 हो गई, तो देख लो 19 सेंटीमीटर 1/5 है किसका, 95 का। अब इस डायग्राम को देख के आपको पता लग रहा है कि गैस का प्रेशर ज्यादा है कि एयर का, मैंने कहा था जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट छोटी होती है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो दिख रहा है कि एयर वाली साइड की हाइट छोटी है तो इसका प्रेशर ज्यादा है किससे, गैस से। तो मैंने आपको क्लियर कर रखा है जिसका भी प्रेशर ज्यादा हो तो मैं क्या बोलूंगा, पी गैस इज इक्वल टू 76 माइनस एच, याद रखिएगा गैस का प्रेशर कम है और एयर का ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा 76 में से 19 माइनस कर दूंगा, 19 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर मरकरी की, और अगर मेरे से पूछा है गैस का प्रेशर एटीएम में निकालो तो 76 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा और ये आ जाएगा 0.75 एटीएम के आसपास।
ये आ जाएगा 0.75 एटीएम के आसपास। इस तरह से हम बैरोमीटर और मैनोमीटर दोनों की कैलकुलेशन से, दोनों के थ्रू अपनी कैलकुलेशन को बड़े आराम से कर सकते हैं और नेट आंसर निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल में मैं एंगल वाला भी कंपोनेंट डाल रहा हूं और लिक्विड वाला कंपोनेंट भी डाल रहा हूं, देखिए कैसे करते हैं। लास्ट एग्जांपल, अब लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या कर दिया, मैनोमीटर में भी एंगल का एक केस डाल दिया, मैनोमीटर में भी मैंने एंगल का कोई केस डाल दिया अगर, तो देखिए कैसा होगा, ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने मैनोमीटर को थोड़ा सा एंगल दे दिया, ये मैंने एंगल दे दिया, सपोज मैनोमीटर को, एयर वाला तो सीधा ही रखा है मैंने, जो गैस वाला था उसको मैंने कोई एंगल दे दिया, गैस वाले को मैंने कुछ एंगल दे दिया, ये बिल्कुल सीधा वर्टिकल है, गैस वाले को मैंने हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दिया 30 डिग्री का, ये गैस कॉलम है और ये जो हाइट का डिफरेंस दे रखा है आपको, ये देखो, ये आपको दे रखी है, सपोज ये पूरी हाइट, ये लेंथ L, ये दे रखी है आपको सपोज 8 सेंटीमीटर और ये L2, ये दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ये दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये एयर का प्रेशर है, सॉरी पी एयर खुला हुआ ये, तो 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर दिया, और लिक्विड दोनों में ही मरकरी डाला हुआ है, इसमें दोनों में लिक्विड डाला हुआ है मरकरी, दोनों में ही जो लिक्विड डाला हुआ, डाला हुआ मरकरी, मरकरी या कोई और लिक्विड भी हो सकता था, उससे भी आप कर सकते थे, ये मैंने डाला हुआ है मरकरी। चलो मरकरी या और लिक्विड डाल दो, एक्स डाल दो, इस लिक्विड की डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर एमएल, और अच्छा क्वेश्चन बन गया आपका। आपसे पूछ रहा है कि बताइए पी गैस कितना है एटीएम के अंदर, बताइए पी गैस कितना एटीएम के अंदर, तो इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने कहा है मेरे को इसकी वर्टिकल हाइट लेनी, मेरे को इसकी वर्टिकल हाइट लेनी है, तो मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल का क्या लेना है, साइन लेना है। तो अगर एच लिक्विड की वर्टिकल हाइट चाहिए तो एच लिक्विड की हॉरिजॉन्टल हाइट का साइन कंपोनेंट एल का, तो एल 8 है, साइन 30, तो ये आपकी कौन सीधी हो गई आपकी ट्यूब एक तरह से 4 सेंटीमीटर। अगर ये हाइट आपकी इतनी आ रही है तो ये वाली हाइट निकाल ली आपने, और ये वाली हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह से बनाता, इस तरह से बनाता, अब ये हाइट कितनी हो जाती 4 की बजाय, 8 की बजाय 4 सेंटीमीटर ऐसे। अब जो इनका डिफरेंस आता 16-4, वो कितने का डिफरेंस आता बेटे, ये 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आपने ये ओब्लिक लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर थी, आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया, कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब वर्टिकल वर्टिकल हाइट का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये है 16, ये है 4, कितना आ रहा है 12 का। यानी कि अगर इस लिक्विड में 12 का डिफरेंस आ रहा है तो क्या मैं इस हाइट को मरकरी की हाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या। देखिए मैंने आपको क्या बोला, अगर कभी आपको लिक्विड की हाइट दे रखी है एच लिक्विड डी लिक्विड अपॉन डी मरकरी, तो यही डिफरेंस जो लिक्विड की टर्म में बाहर आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मरकरी की टर्म में निकाल लूं, तो मरकरी की टर्म में कितना आएगा, ये आ रहा है 12, डेंसिटी है 6.8, 13.6, ये 2 पे चला गया 6, तो अगर यहां मरकरी होता तो ये 12 ना होकर कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस आता बेटे, 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता। अब एक और चीज, यहां पर लेवल छोटा है मतलब ऊंचाई कम है और यहां ऊंचाई ज्यादा है, तो साफ दिख रहा है गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर से ज्यादा है, और अगर गैस का प्रेशर एयर के प्रेशर से ज्यादा है तो क्या करूंगा, तो लास्ट स्टेप पी गैस इज इक्वल टू 76 प्लस एच, ये एच क्या है मरकरी की वर्टिकल हाइट का डिफरेंस, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 82 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर होगा। और अगर 82 सेंटीमीटर मरकरी है तो ये एटीएम के अंदर 82/76 इतना एटीएम प्रेशर आपको गैस का मिल जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल में मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स को यूज कर लिया और अपना न्यूमेरिकल बना दिया। तो इतनी क्लास लगाने के बाद अब आपके सामने कभी भी
किसी मर्करी का या किसी लिक्विड का बैरोमीटर या मैनोमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर सकते हो। ये सीखना इसलिए भी जरूरी है कि आगे जाके जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉज ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो वहां पर भी बैरोमीटर का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। इस तरह से आपने इसको सीखना है। तो आपने पूरा इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो को मोर एंड मोर प्लीज आप शेयर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, क्योंकि मैं लगभग डेली एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने आता हूं, जिससे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आपके एकदम मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।